हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सागर अमलो ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के बज रहे होंगे लगभग 9, और नाश्ते में मैं बना रहा हूँ रोटी। रोटी के साथ है छोले। तो अब आटा गूंथ, तो पहले मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट में शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा फिर ये नाश्ते का ब्लॉग बना ही लूँ, ब्रेकफास्ट का। अब मैं दिखाता तुम्हें कैसे रोटी बनाता हूँ। अब भी देखो ना मैं तो ये आटा गूंद रहा हूँ मैं। आटे में अगर थोड़ा पानी स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक ठाक डाल दो, इतना नहीं कि पूरा गीला कर देना, पर थोड़ा ठीक ठाक डाल दो तो आटा थोड़ा स्मूथ बनता है, अच्छा बनता है, जिससे रोटियाँ भी अच्छी बनती है। मैं छपाऊंगा जाने थे मुझे, तू आउट ऑफ कंट्री, सरकारी वाले से भी ज्यादा कमाऊंगा। तो भाई ये गुन चुका है आटा, देखो बिल्कुल स्मूथ आटा है, बिल्कुल बढ़िया आटा है। इस आटे की रोटियां बनेंगी मस्त। तो भाई ये हमने टाइम सॉल्व कर लिया और ये आता है अपने रोटी रखने का। गैस तो खोली नहीं यार, गैस को नहीं मिलता रोटी बनाने का। तो ये ले लिया हमने एक्स्ट्रा आटा। हम इसको परथम बोलते हैं, कोई इसको दूध बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। ये हम पहले इसकी गोलियां बना लेंगे, गोलियां ये मैं जो रोटी है मैं बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनाता हूँ, बिल्कुल रोटियाँ इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि रोटी और पापड़ में फर्क ही नहीं पता चलता। तो इसलिए मेरे से रोटी बनाना बिल्कुल ना सीखे। जैसे बताऊँ कैसे रोटी बनाता हूँ, ये कल की रोटी है ना, आप सुन रहे हैं, ये पहले तो एक दिल के आकार की रोटी है, देखना। ये ऐसी रोटियां बनाता हूँ, मतलब बनते टाइम स्टार्टिंग में तो सही रहती हैं, पर लेकिन उसके बाद ऐसी हो जाती हैं। जैसे अभी की शाम को एक गाय आती है, गाय के लिए चिप्स का काम हो जाता है। जैसे शाम को हम चिप्स खाते हैं ना चाय के साथ, वैसे गाय बिना चाय के चिप्स खाते हैं। गाँव छुट्टी गे, दरबार छुट्टी गे, माँ जी का आंसू देखी। ये तेरा दुश्मन ये सगा है, कौन तेरा है और क्या है, तेरा दुश्मन ये सगा है, कौन तेरा है और क्या है, तेरे पीछे खड़ी दुनिया है, तेरे पीछे खड़ी दुनिया है। देखना देखना अब बिल्कुल तेरे पीछे बंद कर। इसमें पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ नहाने के लिए, क्योंकि दूर में बहुत ठंड हो रही है, बहुत तो नहीं पर हो रही है। लाइक करना जरूर उसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिसने कर दिया है वो मत करना दोबारा, फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है, जिसने नहीं किया वो करना। ये देख सकते हैं आप सुंदर सी रोटी गोल, अगर इसको इतना इतना देख लीजिए, ऊपर का मत देखना है, गोल रोटी है। एक बार और घुमा तो इस रोटी को, आपके डिमांड में चलो घुमा। अब देखना सीधे उसके ऊपर देखना है, ये
इसमें उंगलियों के छाल पड़ गए हैं, इसमें उंगलियों के छाल पड़ गए हैं। अबे ये रोटी इतना बढ़िया था, पुलिंग रोटी खाऊंगी। तो यार नाश्ता तो बना लिया है, रोटियां बना लिया, देखते हैं अखबार आ रखा है। अबे आज अखबार भारी भारी से लग रहा है। अभी ये पर तीन तीन अखबार अनला, एक मिनट लाइट खोलो, चेक करते हैं, इसको चेक करके बताते सर आपको। दो तीन अखबार दे रखे हैं आज, पता नहीं क्यों दिए, अलग अलग तो हैं ये। एक दून टाइम्स है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया 15 अक्टूबर, दोनों 15 अक्टूबर के। दो तीन कैसे, दो कैसे आए होंगे यार आज, पता नहीं कैसे आ गए दो, ये सेल चल रही है पता नहीं क्या। तो यार फटाफट से पहले अखबार पढ़ते हैं और उसके बाद जस्ट तुरंत सफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इस अखबार को जल्दी से। चेहरे पे अपने धनक लिए रुतबा रौनक खनक लिए, चेहरे पे अपने धनक लिए रुतबा रौनक खनक लिए, पर अंदर से। तो यार न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और अब टाइम है सफाई करने का, तो फटाफट से सफाई करते हैं और झाड़ू पोछा मारेंगे, अंदर वाले कपड़े भी आज फोल्ड कर देंगे, जो जो धुलने के लिए उनको धुलने के लिए रखते हैं फटाफट से। तो यार ये सफाई करने से पहले का व्यू, और अभी देखो उसको पूरा मैं चमका दूंगा, बिल्कुल नीचे फर्श भी चमकाऊंगा, ये गैस भी चमकाऊंगा। तो देखते रहो आप, फटाफट से करता हूँ इसकी मैं सफाई। चला है ये बुलबुला रे, बुलबुला रे, ये बुलबुला रे, एक दिन खा के टक्कर फूटेगा। बंदे यारे, बंदे यारे, बंदे यारे, एक दिन ये सारा चक्कर छूटेगा। तो यार ये देखो बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन, अब इतना भयंकर साफ कर, मैंने बस मुक्का चमना लाइट ऐसे दिखने लगी, टाइल मैंने भयंकर साफ कर दिए, जिससे शीशा ऐसे से वैसे शीशा चमक रहा। तो इसमें अब आज से अखबार बिछा रहा हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो और साफ सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोग ये ना सोचो कि मैंने साफ नहीं करे, ढंग से साफ करे अलग मैंने ढंग से, उसके बाद अखबार हम बिछाने लगे पर बढ़िया ढंग से। तो अगली बार ना बोलना, अगली बार ज़्यादा घिसना जरूरत नहीं पड़ती, तो रेपर बन करो जानते यार, इन चिप चिप करने में तेल करो जानते, पर ये दीवार में फोड़े हो जाने, तो बहुत फोड़ मैंने अखबार बिछा ली। अब ऐसे ये अपना तो खैर तब कर ही खोलो साफ ने, फिर कर दो तो फटाफट देख कर भयंकर बन हुई गंद हुई, कर दो मैं देखा तुरंत। से बहुत जमी है, तेरी जमी में बहुत नमी है। अरे यार तुम मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ था फोन उसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए, इधर की सफाई और गैस की सफाई कर रहा था मैं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, लेकिन वो अचानक ही फोन बंद हो गया। मैंने अभी ध्यान दिया कि ये तो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई जो मैंने यहाँ की सफाई करी और गैस की सफाई करी। अभी जैसे देखो आपने गैस की हालत बहुत गंदी थी, अब साफ हो गई बिल्कुल, ये भी चमक गया यहाँ से। तो जिसको नहीं पता तो मेरा ट्राईपॉड देखो ये है, इस धागे में मैं फ़ोन को ऐसे अटकाता हूँ, इसके अंदर डाल के ऐसे 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 तब यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। तो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा होता है, ऐसे रहता है मेरा फ़ोन ऐसे, तो पता ही नहीं चला कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कुछ है, तो मैंने जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, मैंने आईफोन 13 लिया, एक आईफोन 13 है ये, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ये दाल के काम आएगा, ये दाल का डब्बा है उसके काम आएगा। और एप्पल वॉच भी लिया है, जो ये एप्पल वॉच, तो एप्पल वॉच को पिछली तरह पर आगे से आईफोन 13 को रख दिया है, तो यहाँ से फट भी गया है ये, कोई नहीं इसको सर्विस सेंटर से ठीक करा लेंगे, ये इसको ठीक करा लेंगे यहाँ से। फटाफट से इसको साफ करता हूँ यहाँ से, और अब देखना जब झाड़ू पोछा मारूंगा मैं तब देखा नहीं, अब पीलू पीलू ना दिखे ना, अब देखे क्या सफेद हो, तो अब देखा तुम। तेरी जमीन में बहुत नमी है, तेरी खातिर दुनिया थमी है, तेरी खातिर दुनिया थमी है, पर ये तेरी गलत फहमी है, ये जाम प्यारे जाम प्यारे, ये जाम प्यारे, एक दिन पूरा भर के टूटेगा। बंदे यारे, बंदे यारे, बंदे यारे, एक दिन ये सारा चक्कर छू।
तो यार ये देखो, ये मैंने फर्श बिल्कुल साफ कर दिया है, ये पर बिल्कुल मुक्का चमलाने लगे। ये देखो बिल्कुल साफ फर्श हो गया है, ये क्या लगे, ये कबाड़ है, बढ़िया फर्श। ये देखो फर्श बिल्कुल चम कर दिया मैंने, क्लीन, बिल्कुल क्लीन। और इस वाले कमरे की भी सफाई हो चुकी है, इस वाले कमरे में झाड़ू पोछा लग रहा है, और इन कुर्सियों करते किनारे, बाल्टी करते किनारा, और अंदर वाला कमरा भी बिल्कुल साफ हो चुका है, कपड़े तो फोल्ड करे नहीं अभी। और ये माता का मंदिर, इधर भी साफ सफाई बिल्कुल हो चुकी है, अब इधर बस पोछा मारने के लिए, इधर भी पोछा मारने के लिए बस। तो यार मैं आ चुका हूँ बाजार की तरफ, घर में टमाटर और प्याज ख़त्म हो चुके हैं, और एक तरफ इस तरफ पड़ता है बाजार और एक तरफ इस तरफ पड़ता है, लेकिन आज मैं इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ मिलती है सब्ज़ी, कहाँ मतलब ऐसे पता है मेरे को, शाम को तो मिल जाती है लेकिन दिन में नहीं मिलती यार, दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखता हूँ कहाँ मिलता है, कितने दूर मिलता है, फटाफट से लाते हैं टमाटर प्याज। घर में हरड़ की दाल उबाल रखी है, वो वाले तो नहीं है, भैया को बोला था मैंने, अब घर जा कर देखो वो वाले कि नहीं वाले, फटाफट ढूंढता कोई ठेली यहाँ वो दिख गई, देखते हैं उसमें मिलता है कि नहीं मिलता ठेली तो यहाँ पर, लेकिन ठेली वाले भैया पता नहीं कहाँ चले गए। प्याज और टमाटर रखे हुए हैं, सब्जियाँ तो बढ़िया लग रही हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो यार टमाटर प्याज नींबू ले लिए, अब से चलते हैं फटाफट घर पे और देखते हैं भैया ने दाल उबाली कि नहीं उबाली। तो यार अभी नीचे पे एक भैया बैठे हुए थे, उन्होंने पानी मांगा, उनको पानी दे के आया, और गैस पे दाल नहीं चढ़ी अभी तक। अब फटाफट दाल चढ़ाते हैं, हरड़ वाली दाल, उसको बनाते हैं फटाफट से। तो यार जब तक दाल थोड़ा ठंडी हो रही है तब तक प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट लेते हैं, कढ़ाई में रख दिए, और लहसुन को मैंने इसमें छिलके समेत कूट दिया है। अब मेरे को लगता है वो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टैंड, अब मेरे को लगता है एक ट्राईपॉड लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपना ये वाला ट्राईपॉड है ये इससे काम नहीं चल रहा, क्योंकि अब यहाँ इससे बनाने में दिक्कत होती है। तो अब एक लेना पड़ेगा ट्राईपॉड, फटाफट काटते हुए प्याज टमाटर को और छोंकता हूँ दाल। तो अब शराब छोंकते दाल को, अब तेल गर्म नहीं है, ये 2 मिनट मैंने इसमें डाल दिए, इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे छेद करके डाल दो, ऐसे फटती नहीं है, नहीं तो कभी कभी हरी मिर्च फट जाती है, हरी मिर्च लाल मिर्च, पहले हरी थी वो रख रख के लाल हो गई। ये बिल्कुल बारीक कटी जा रही है, थोड़ा देर नहीं डाल, ये मसाला है, ये मिक्स मसाला है, ये हमारी दुकान में मिलता है चंबा, ये सिर्फ चंबा ही मिलता है मिक्स मसाला, बहुत मस्त होता है, इसका अलग ही टेस्ट आता है। इस वाले मसाले की आदत हमें पहले से पड़ी हुई है, मतलब हम पहले से ये वाला मसाला खाते हैं ना, इस वाले मसाले की आदत हमें पड़ी हुई है, और ये टेस्ट में बहुत होता है, टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट, और इसकी अलग ही खुशबू आती है। तो यार ये बन गई हमारी दाल, मस्त दाल, ये देखो। और इस पे चढ़ाता हूँ जल्दी से चावल,
तो यार दोस्तों ये था मेरा आज का एक ब्लॉग, और इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि शाम को मैंने जिम जाना है। अगर मैं वो भी ऐड करूँगा तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह को आज गए नहीं थे जिम, इसलिए शाम को जाएंगे। तो ये था मेरा आज का एक ब्लॉग जिसमें मैंने सफाई करी, खाना बनाया और बस यही सब था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।